नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियोस को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आईफोन के 5 बेहतरीन फोटो एडिटिंग ऐप्स, जिन्हें आप अपने फ़ोन में ज़रूर रखें और आपके फ़ोटोज़ को वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकता है, कलर्स ऐड कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से ऐप्स हैं वो। और पहले नंबर पे हमारा जो ऐप आता है वो गेस कर सकते हैं आप, फोटोशॉप ही होगा। जी हाँ, इस ऐप में आप हर एक इम्पॉसिबल एडिटिंग को पॉसिबल कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें हज़ारों लाखों टूल्स आपको मिलेंगे, हज़ारों हज़ारों ब्रशेज मिलेंगे आपको, ग्रेडियंट टूल्स वगैरह वगैरह, इतने टूल्स हैं इसमें कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके PSD फाइल्स को आप अपने लैपटॉप में भी जाके एडिट कर सकते हैं। क्लाउड कनेक्ट का फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलता है, जिससे आप डायरेक्टली फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ओवरऑल ये फोटोशॉप चाहे फ़ोन में हो या लैपटॉप में, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिस्ट में टॉप पे रहा Adobe फोटोशॉप। दूसरे नंबर पे जो ऐप आता है हमारे लिस्ट में वो है Adobe फोटोशॉप Lightroom। जी हाँ, ये फोटोशॉप टेक्नोलॉजी से बना हुआ ऐप है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये फोटोशॉप का प्रीसेट है। इसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिलेंगे, लेकिन बस प्रीसेट ही नहीं, इसमें आप उसको बहुत ही फाइन एरिया में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर सकते हैं। हर चीज़ प्रिसाइज होगा और आप जितना फ्लेक्सिबिलिटी चाहेंगे उतना आपको इस ऐप में मिल जाएगा। और इस ऐप का यूज़ आप नॉर्मल फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें आपको Adobe क्लाउड कनेक्ट भी दिया गया है, जिससे आप अपने सिस्टम पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके फाइल्स को। तीसरा ऐप जो हमारे लिस्ट में आता है वो है अल्ट्रा लाइट। और ये नाम से ही अल्ट्रा लाइट नहीं, बल्कि ये है अल्ट्रा लाइट। ये बहुत ही फास्ट है और इसमें आप जो भी इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, जो भी फिल्टर्स, वो रियल टाइम में बहुत ही स्मूथली आपको दिखेगा अप्लाई होते हुए, कोई ग्लिच नहीं होगा। और इसमें बहुत सारे टूल्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कर्व एडजस्टमेंट, RGB कर्व्स, सैचुरेशन टेम्परेचर वगैरह सेट करने का, विनियट्स डालने का, क्रॉप करने का। और एक ख़ास बात और है इस ऐप की कि आप जब भी एडिट कर रहे होंगे तो वो उसी सेशन में उसको सेव करते जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर उसको क्लोज कर दिए तो आपका वो जो भी एडिटेड इफेक्ट्स था वो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रियल टाइम में सेव होते रहता है। चौथा ऐप जो हमारे लिस्ट पे आता है वो है इनलाइट का फोटोफॉक्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपको फिल्टर्स मिलते हैं। आप फिल्टर के ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे एड, सब्ट्रैक्ट, लाइट, स्क्रीन, और भी बहुत सारे ऐसे आपको ब्लेंडिंग मोड्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ को कट पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जिससे आप डूडल्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं इसमें। और एक ख़ास बात इस ऐप का है कि आप इसमें रॉ फाइल्स भी दे सकते हैं, यानी कि ये रॉ सपोर्ट करता है। और अगर आप थोड़े पैसे खर्च करें तो इसमें आपको बहुत सारे लाइट लीक्स के पैक्स भी मिल जाएंगे और ब्रशेज भी बहुत सारे मिल जाएंगे, फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा चौथा ऐप। पांचवा ऐप जो हमारे लिस्ट पे है वो है विस्को, विजुअल सप्लाई कंपनी। ये एक बहुत ही लाइट वेट ऐप है, जिसमें आपको बहुत सारे फ्री के फिल्टर्स मिलते हैं, जिसे आप अपने फ़ोटोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं और फ़ोटोज़ आपका बहुत ही डिफरेंट दिखेगा। ओरिजिनल और एडिटेड फ़ोटो में बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखेगा और आप बहुत सारे फिल्टर्स खरीद भी सकते हैं, कुछ डॉलर्स आपको लगेंगे उसके लिए। और इसमें आपको इंटीग्रेटेड कैमरा मिलता है और विस्को का एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी है, जहां आप अपने फ़ोटोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। हालांकि वहां कमेंट्स और लाइक्स अवेलेबल नहीं है, ना कोई सब्सक्राइबर, लेकिन आप वहां अच्छे से लोगों को रीच कर सकते हैं और अपने फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं।